नमस्कार, स्वागत है आप सबका जरा हटके न्यूज चैनल में। मैं हूँ आज आपके साथ बतूल रिजवी। तो शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबर। आज दिन तक आपने बहुत लोगों को भक्ति करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे भक्त से आपका अवगत करवाएंगे जिन्होंने एक अनोखी भक्ति की मिसाल कायम की है और आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही छाए हुए हैं। आपने अभी तक पंचायत समिति कार्यालय में तैनात विकास अधिकारी को पंचायती राज के कामों में व्यस्त या सरकारी योजनाओं की देखरेख के अलावा राजस्व मामलों का निस्तारण करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे विकास अधिकारी से जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ बखूबी निभाते हुए गौ माता की सेवा के लिए भी समय निकालते हैं। यह आपके सामने चल रही है गोखा और इस कथा के दौरान व्यासपीठ पर बैठे हैं राजसमंद में आमेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी राकेश राज पुरोहित, जो ब्राह्मण होने के कारण शुरू से ही गौ माता से खासी आस्था रखते हैं। संगीत में कथा के दौरान गौ महिमा और जरूरत का बखान करते हुए श्रोताओं को गोपालन और उनके रक्षण का संदेश देते हैं। कथा के दौरान ये ग्रास के लिए भी कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं, जो कथा समाप्ति के बाद किसी गौशाला या गौ के संरक्षण के लिए भेंट दे दिया जाता है। अमेर के पास सियारा में आयोजित कथा में करीब 7 लाख रुपए की आई हुई जो सियारा गौशाला के विकास के लिए सौंप दी गई। इस कथा को नाम दिया गया है तेरे तुझको अर्पण। पुरोहित अब तक 56 कथाएं कर चुके हैं, जबकि इस कथाओं में से मेरे धन का उपयोग 500 भगवद गीता और गौवंश के लिए 400 पानी की टंकिया का निर्माण करवाया जा चुका है। इस कथा वक्षक और विकास अधिकारी दोनों रुपए में सटीक हैं। इनकी कथा में दौरान कोई श्रोता ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं, जबकि इनकी इस निष्काम को गौ भक्ति का हर कोई कायल है। अब जसवंतपुरा मेरी पोस्टिंग थी, उस दौरान जब देखा गया कि निराशित उपेक्षित असहाय और बीमार घायल गोवंश, जिसके बारे में गोमाताओं के बीच में रहने पर ये पता लगा कि संसार और सृष्टि की सात्विकता का आधार जगत जननी पूज्या वेद लक्षणा गो माता है, जिसकी इतनी महिमा प्राचीन समय में रही, उस महिमा को जब देखा कि वर्तमान पीढ़ी भूल गई और देखा कि सभी समस्याओं के मूल में जब गौ माताओं की कमी हुई, पंचगव्य का जो सहज हमारी प्रकृति को पोषण होता था वो बंद हुआ, तब जाके प्रकृति में तामसिकता और राजसिक गुण बढ़े, तो हमें लगा कि क्यों न मानवता को बचाने के लिए, सत्व गुण की वृद्धि करने के लिए हम अपने ऑफिस के अलावा जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए गांव-गांव जाकर गो चेतना गो महिमा जगाकर इस कार्यक्रम को करते हैं। जितना भी गोग्रास आता है वो स्थानीय गौशाला को पुष्पित पल्लवित और पुनर्जीवित करने के लिए देते हैं।